बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताबून से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में धमाकेदार जीत के बाद जहां दुनिया भर से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के अलावा दुनिया भर के जो क्रिकेट फैंस हैं वो पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रहे हैं, वहां हमारे हमसाया मुल्क भारत में इस वक्त किस किस्म के हालात हैं? बहुत सारे भारतीय इस वक्त सकते की हालत में हैं कि क्या हो गया, ये दो दिन में क्या माजरा हो गया कि पाकिस्तान के बारे में तो हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान विल बी नोवेयर इन T20 वर्ल्ड कप और पाकिस्तान तो अपनी टिकट कटवाने की तैयारी कर रहा है। कहां के लिए पाकिस्तान अपनी टिकट कटवाने की तैयारी कर रहा है? लाहौर या कराची के लिए, लेकिन वहीं पे पाकिस्तान की टीम का बाय द फेट ऑफ अल्लाह सुबहानहू ताला पाकिस्तान की टीम का कमबैक करना और इस तरह से कमबैक करना और फिर सेमीफाइनल में पहुंचना। पहले तो उनसे पिछला कमबैक ही जो है वो हजम नहीं हो पा रहा था, अब सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंच गया और फिर सेमीफाइनल में पाकिस्तान का जो वाहिद मसला था बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी का ना चलना, वो भी हल हो गया। तो अब इसके बाद भारत में क्या सिचुएशन है, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे तफसील के साथ। भारत के जो क्रिकेटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, भारत के जो एनालिस्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं और ओवरऑल इंडिया में एक खौफ की सी कैफियत क्यों तारी है, ये जीत पाकिस्तान के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत के साथ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को लेकर के ये जीत पाकिस्तान के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और इस T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत का ये कहना कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान में जाके क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब ये जो पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा है और अगर पाकिस्तान फाइनल में जीत जाता है भारत से, तो क्या भारत के लिए ये सब कुछ करना आसान रह पाएगा? इस सब के ऊपर इस वक्त बातचीत शुरू हो गई है। सोशल मीडिया में इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहा है इंडिया में, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @babarhayatshow और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, अगर आपने हमारी जो लाइव वीडियो है वो नहीं देखी तो हम आप सबको मुबारकबाद देते हैं, दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को मुबारकबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह अकबर कि अल्लाह की मदद से पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचा और अब आगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़कों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ये जो मौका हमें कुदरत के निजाम के तहत मिला था ये मौका अब हमने दोनों हाथों से इसको दबोचा है। होम एक्सपेंस हमारे जो जो टाइटल स्पॉन्सर्स हैं उनकी जानिब से, हमारे वकास मुगल साहब जो हैं होम एक्सपेंस को चलाते हैं, उसके रूह रवा हैं, उनकी जानिब से आप सबको बहुत बहुत मुबारक पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के ऊपर। और अब उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और ख्वाहिश भी यही है कि पाकिस्तान ट्रॉफी लेकर के आए और 1992 की वही मेलबर्न के ग्राउंड की तारीख को एक बार फिर दोहराए। क्या बाबर आजम इस तारीख को दोहराने जा रहे हैं? इन तमाम मौजूदात पे तो हमने बात करनी ही करनी है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान जीता है तो यकीन कीजिए इंडियन जो फैंस हैं दे आर इन द स्टेट ऑफ शॉक, वो इस वक्त सकते में है। और खास तौर पे वो इंडियन फैंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, वो इंडियन फैंस जो पाकिस्तान का नाम सुनना बर्दाश्त नहीं करते, जो कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, ये है वो है अपना है, ये मैं उन इंडियन फैंस की बात कर रहा हूं। बहुत सारे फैंस ऐसे हैं कि जो बहुत खुश भी हुए हैं और इस वजह से खुश हुए हैं कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया का अब फाइनल हो सकता है, बहुत ज्यादा जिसको आप कहते हैं कि इसके चांसेस अब मौजूद हैं। अगर इंडिया अब कल वाले सेमीफाइनल में इंडिया की टीम जो है वो शिकस्त दे देती है इंग्लैंड को, तो जनाब 13 तारीख को जो मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में होगा वो जिसको कहते हैं ना कि एक पानीपत की लड़ाई जैसा सीन बन जाएगा, गुमसान का रन पड़ जाएगा वहां पर, जब दो टीमें, दो आर्क राइवल्स आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे, तो बहुत सारे लोग खुश भी हैं। लेकिन
एक एक्सट्रीमिस्ट आपको पता है वहां का एक ग्रुप है जो ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम भी सुनना पसंद नहीं करता, उनको तो सर नींद नहीं आएगी आज रात, गारंटी गारंटी कंफर्म्ड गारंटीड आपको बता रहा हूं, रात को दो दो गोलियां खा के सोना पड़ेगा क्योंकि वो उनको हजम नहीं होगा, हजम भी नहीं होगा, उनका निजाम इंतजाम भी आज खराब रहने वाला है क्योंकि पाकिस्तान की जीत उनको हजम नहीं होगी। वो बहुत सारे हमारे चैनल के जो कमेंट्स हैं उसमें आके लिख के कहते थे देखना तुम, अरे तुम अभी भी पाकिस्तान को कर रहे हो, तुम्हारी टीम तो जिम्बाब्वे से हार गई, तुम्हारी टीम की तो ये औकात ही नहीं है, फ्ला है और ये है वो है। लेकिन बात ये है कि ये सारी जो सिचुएशन हुई है, मैं आपको बताऊं बहुत सारों ने उंगलियां अपनी काट ली होंगी कि यार ये क्या हो गया, और फिर बहुत सारे जो अब वो है वो इस खौफ में है। देखिए पाकिस्तान का इंडिया से हारना इतना बड़ा इशू नहीं है जितना इंडिया का पाकिस्तान से हारना इशू है, जितना बड़ा इशू है, और वो वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है वहां के क्रिकेट फैंस के लिए। इंडिया के पाकिस्तान से हारने को बहुत बड़ा मसला बना लिया जाता है, और अब तो इतनी ऊंचाई से अगर गिरेंगे तो चोट भी बहुत लगेगी भाई, फिर तो दुख भी दर्द भी बहुत होगा, चोट भी बहुत लगेगी। तो ये सारी जो सिचुएशन है इसमें भारतीय क्रिकेट फैंस ओवरऑल एक खौफ में हैं कि अब हमारे ऊपर प्रेशर बन गया है कि हमने सबसे पहले तो इंग्लैंड को हराना है, अब इसके ऊपर प्रेशर बन गया उनके ऊपर। ऑब्वियसली आपका आर्क राइवल न्यूजीलैंड को इतने जबरदस्त तरीके से उसने हराया है, और फिर जो सबसे बड़ा मसला था कि बाबर आजम और रिजवान ने क्लिक कर रहे थे, वो एक बहुत ही राइट मोमेंट के ऊपर उन्होंने क्लिक किया, और इरफान पठान ने ट्वीट किया है कि बाबर एंड रिजवान कमिंग बैक एट द राइट टाइम, उन्होंने लिखा है बाकायदा ट्वीट किया है कि राइट टाइम के ऊपर उन्होंने क्लिक बैक किया है और कम बैक किया, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा सुनील गवास्कर जी जो हैं उन्होंने ये शाहीन शाह अफरीदी की बहुत तारीफ की है, उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप इन फॉर्म आया है और अब आके वो अपने रियल ओरिजिनल रिदम में दिखाई दे रहा है, तो वो बाकायदा इसको भारत अगर फाइनल में पहुंचता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा उन्होंने करार दिया है। खुद दूसरी जानिब जो है वो विक्रांत गुप्ता, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट गाय विक्रांत गुप्ता कि उन्होंने आखिर दम तक ये बिल्कुल नहीं कहा कि पाकिस्तान बाहर हो गया। बहुत सारे लोग कहते रहे हैं, बहुत सारे जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं वो कहते रहे इंडिया में, लेकिन विक्रांत गुप्ता जी ने बिल्कुल नहीं कहा, मैं अप्रिशिएट करूंगा, वो ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान स्टिल कैन कम बैक, और उन्होंने तारीफ की है कि पाकिस्तान ने अपनी टीम ने बिलीफ जो है वो नहीं छोड़ा, आखिर दम तक वो लड़े हैं, और आखिरी मैच तक उन्होंने जो है वो जो पहले दो मैचेस का झटका था उसको उन्होंने बहुत हद तक जो है वो कवर करने की कोशिश की है, और फिर साथ में थोड़ा सा किस्मत का जो वो जिसको कहते हैं कि जफ्फी मिली है, जादू की जफ्फी मिली है, किस्मत ने डाली है, उसके बाद पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब इवन मैंने विक्रांत गुप्ता को भी देखा, मैंने सुनील गवास्कर जी की भी गुफ्तगू सुनी, इसके अलावा हरभजन की भी सुनी, हरभजन की तबीयत कैसे है वैसे ये बताओ हरभजन, बाय द वे हरभजन ने जो है वो पिछले मैच के इस सेमीफाइनल से पहले जो मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, उनका उनका भी यही मानना था कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को ढेर कर देगा, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को ढेर कर देगा और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देगा। आकाश चोपड़ा ने भी ये प्रेडिक्ट किया था, बल्कि बहुत सारी जगहों पे तो मैं सोच रहा था कि हमसे ज्यादा इंडियन कॉन्फिडेंस है कि ये पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को हरा देगा, और आज वो कर दिया। अब ये मामला खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल, बहुत सारे लोग दुनिया के इस फाइनल को देखने के मुंतजर हैं, बहुत सारे लोग अक्रॉस द बोर्ड, मतलब इवन न्यूजीलैंड वाले भी चाहेंगे कि फाइनल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का हो, और इसके अलावा ओवरऑल इंग्लैंड वाले तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे क्योंकि इंग्लैंड के कप्तान ने कहा है कि हम पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल बिल्कुल नहीं देखना चाहते, तो वो तो जरूर चाहेंगे कि वो इंडिया को शिकस्त दें। लेकिन अब इंडिया में जो है वो एक प्रेशर सिचुएशन है ऑब्वियसली, और वो सबसे पहले प्रेशर सिचुएशन कि इंडिया का अब वो कहते हैं कि पहले तो जीतना, अगर पाकिस्तान आज खुदा ना खासा हार जाती पाकिस्तान की टीम तो इंडिया के ऊपर उतना प्रेशर नहीं होना था कि जितना अब प्रेशर है कि अगर अब जो है वो इंडिया सेमीफाइनल में हार जाती है तो बहुत बड़ा दुखदायक किस्म की ये हार होगी इंडिया के लिए और इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और हम जैसे लोग और पाकिस्तान से कहेंगे यार तुम तो हमें बाहर निकालते थे, तुम खुद बाहर निकल गए। अब जो है वो एडलेड का मैदान है और उसमें फैसला होना है दूसरे फाइनलिस्ट का। दूसरी जानिब
अगर हम बात करें तो भारत का सोशल मीडिया इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल जो है वो ट्रेंड कर रहा है, और अंदर अंदर से वो थोड़ा खौफ भी है, लेकिन ओवरऑल भारत को अब ये लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी गोइंग टू बी अ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ग्रैंड फिनाले एट एमसीजी। और फिर उनको ये भी पता है कि यार ये पाकिस्तान का अभी तक तो 92 वाली हिस्ट्री जो है वो चलती जा रही है। विक्रांत गुप्ता ने भी कहा कि पाकिस्तान वाज ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन, और उन्होंने कहा कि ये जो एडिलेड का मैदान है इसी मैदान पे पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड ने 78 रन पे आउट कर दिया था, और उससे पहले पाकिस्तान सिर्फ एक मैच जीता था। अगर ये मैच पाकिस्तान हार जाता तो पाकिस्तान बाहर हो गया था उस वर्ल्ड कप से, 92 से वर्ल्ड कप से। और लेकिन उसके बाद फिर बारिश हुई, और ऐसी बारिश हुई कि वो कहते ना अबरे करम आज इतना बरस कि वो जा ना सके। मुझे याद है बहुत, मेरे वालिद साहब जो थे वो मुझे स्कूल से पिक करने के लिए आए थे। अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को जजाए खैर दे, उनको अल्लाह पाक जो है वो जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनके लिए दुआ किया कीजिए। मुझे जो क्रिकेट से मोहब्बत है ना वो इस वजह से कि मेरे वालिद साहब जो थे उनको क्रिकेट से बहुत मोहब्बत थी, और जब हम गांव में रहा करते थे इट वाज इन 85-86 और मैं छोटा था उस वक्त, तो उस वक्त हम रेडियो पे मेरे वालिद साहब कमेंट्री सुना करते थे। और मुझे आज भी वो वक्त याद है कि जब वो गांव में हमारा चूल्हा होता था, सर्दियों का मौसम होता था, और हम जनाब वो चूल्हे के इर्द गिर्द सब बच्चे बैठे होते थे, और हमारी वालदा अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में आला जगह अता फरमाए वो जो है वो खाना बना रही होती थी, और हम गर्मा गर्म रोटियां खाया करते थे, और साथ में कमेंट्री लगी होती थी। उमर कुरैशी उस वक्त एक बड़े जबरदस्त कमेंटेटर हुआ करते थे, फिर हसन जलील बड़ी अच्छी कमेंट्री किया करते थे, फिर मुनीर हुसैन, ये सब लोग बड़े कमाल के। अच्छा वो भी एक अलग मजा था रेडियो पे कमेंट्री सुनने का, और क्या कमाल। और रेडियो पाकिस्तान लाहौर नंबर 2 से आया करती थी जो कमेंट्री होती थी, और उस वक्त रेडियो बहुत स्ट्रांग मीडियम था, चंदा बैटरी सेल डला करते थे उसमें। सो वो वाला वक्त मुझे याद है। तो मेरे वालिद साहब जब आए, मुझे याद है 1992 में, तो मुझे स्कूल में जब छोड़ने आए तो उस वक्त पाकिस्तान 78 पे ऑल आउट हो चुका था। जब मुझे वापस लेने आए तो मैंने कहा, मुझे नहीं पता था उस वक्त, ना मोबाइल थे, कुछ भी नहीं था, पता ही नहीं होता था कि क्या बना मैच का। तो मैंने उनसे पूछा, अबू जी मैच का क्या बना? वो कहते बारिश हो गई, मैच धुल गया, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। और मैंने कहा वाओ ये तो बड़ा अच्छा हो गया। सो जस्ट इमेजिन के वो जीत पाकिस्तान को, अगर वो हार हो जाती पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से, उस वक्त के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। सो आज 30 साल बाद जो है वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मौका मिला है। इंडिया में एक माने या ना माने एक अनजाना सा खौफ है जो मुझे चेहरों पर नजर आ रहा है। इंडियन जो मीडिया है उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला था। मैं आज तक देख रहा था लाइव, और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे थे और चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। और अब वो नॉट, दे आर नॉट डिस्कसिंग पाकिस्तान एनी मोर, दे आर जस्ट डिस्कसिंग इंडिया वर्सेज इंग्लैंड और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन फाइनल। ऑलरेडी उन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के फलां खिलाड़ी हमारे लिए बड़ा खतरा होंगे। अगेन शाहीन शाह अफरीदी का फॉर्म में आ जाना, पहले मैच में ही वाज नॉट इन फॉर्म, अब उसका आ जाना, फिर बाबर और रिजवान का फॉर्म में वापस आ जाना, फिर मोहम्मद हारिस, उसको लेकर के बहुत बात हो रही, बहुत चर्चा हो रही। सो ओवरऑल इंडिया में माहौल यही है जनाब कि क्या हो गया, पाकिस्तान कैसे फाइनल में पहुंच गया, और अब क्या हमारा मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा फाइनल में। तो इस किस्म की फीलिंग चल रही है। सो होपफुली मैं ये समझता हूं कि जो अच्छे क्रिकेट फैंस हैं दोनों तरफ, दे वुड लव के पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो फाइनल हो, और एक बहुत बड़ा फाइनल हो, और मजा आए उसमें, जो भी अच्छी टीम जीते। लेकिन एक कह सकते हैं कि आप वो फिनाले ऑफ द डेकेड होगा, बड़े अरसे के बाद हम एक बहुत बड़ा फाइनल देखने जा रहे हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।